हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम हिमाचल वाली एरिया की साइड आए हुए हैं। देखो, रोड के बीच में खड़ा हूँ अभी एकदम मैं, और ये रहा हमारा पाचे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है, अगर आप बाइक चलाते हो और आप लीनिंग सीखना चाहते हो अच्छी तरह से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना एक सिंपल वे में बताऊँगा कि आप जो है लीनिंग करते वक्त कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड कर सकते हो, जिस वजह से आपके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि लीनिंग करना ना बाइक पर एक थोड़ा सा रिस्की काम होता है, क्योंकि अगर आपसे एक भी मिस्टेक हुई ना तो आप पता नहीं कहाँ निकल जाओगे। तो इस वीडियो को बनाने के लिए गाइस मैंने ना रिसर्च करी थी और मुझे ऐसी चीज़ें पता लगी जो मुझे पहले खुद नहीं पता थी। सो गाइस, इस वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना और आपको जो है एकदम समझ आ जाएगा, एक एक गलती के बारे में पता लगेगा, क्योंकि हो सकता है शायद आप भी वो गलती करते हो जो गलती मैंने करी थी लीनिंग करते टाइम। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं स्पेशल समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे एरिया की तरफ आया हूँ जहाँ पर थोड़े से कर्व्स ज़्यादा हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी मैं बाइक अपनी लीन कर रहा हूँ और सबसे पहला पॉइंट है जो गाइज वो है कि अगर आप जब भी आप कॉर्नर पर जाते हो ना, देखो अभी मेरी स्पीड ज़्यादा थी और मैं कॉर्नर से बाहर निकल गया। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ होती है कॉर्नर में आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है कि आपकी स्पीड जो है कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कॉर्नर है आप 80-90 पर जा रहे हो, मतलब अगर आप ऐसा नहीं है कि सीधे जा रहे हो और कॉर्नर आ गया आप उसी स्पीड से कॉर्नर पर जा रहे हो, क्योंकि गाइस अगर आप उसी स्पीड से जाओगे ना तो कॉर्नर एग्जिट करते करते आप बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आपको मैं सिंपल साइंस बताता हूँ, जब भी हम स्पीड में टर्न लेते हैं ना तो जो फोर्स होता है वो हमको बाहर की साइड फेंकता है, मतलब जो टर्निंग में जो फोर्स लगता है ना वो हमको बाहर की साइड फेंकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा मोटो जीप वाले राइडर्स टर्न लेते वक्त राइट साइड को झुक जाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जो फोर्स उन्हें बाहर खींच रहा है ना वो फोर्स अंदर की तरफ कर लेते हैं ऐसा झुक कर। तो इसी वजह से ना अगर आप जब भी आप लीन करो, सबसे पहले आपको जैसे आगे कॉर्नर आ रहा है स्पीड कम नहीं करी, और मैं ऐसी बाइक को ले गया, देखो एंड में आते आते ना मैं बाहर जा रहा हूँ कॉर्नर से, मतलब मैं अपनी लेन से ना लेन में नहीं रह पा रहा, लेन से बाहर चले जा रहा हूँ। सो जब भी गाइज आपको कॉर्नरिंग करनी है या लीन करना है बाइक कर्व पर, तो आपको जो है ध्यान रखना है स्पीड का, स्पीड आपकी जो है मिनिमम होनी चाहिए आपके, मतलब ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि एक स्पीड स्पेसिफिक स्पीड में आपको लीन करना है, जिस स्पीड में आप कंफर्टेबल होना, जिस स्पीड में आपको लगता है कि हाँ मैं नहीं गिरूंगा उस स्पीड में आप करो। सो गाइस, जो सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना कॉर्नरिंग में, वो है कि जब भी आप लीन कर रहे हो ना तो आपको स्ट्रेट देखना, मतलब स्ट्रेट ऐसा कि बिल्कुल जहाँ पर आपने जाना है वहीं की तरफ देखना। ऐसा नहीं है कि आप लीन यहाँ की तरफ जा रहे हो देख आप सीधा रहे हो, जैसे कई बंदे करते हैं वो ऐसे बाइक को लीन करते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना गाइस आपने। ऐसे अगर आप लीन करोगे ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपको पहले ही बाहर फेंक रहा है, और अगर आप ऐसे और कर देते हो तो आप बिल्कुल ही गिरोगे। आपको हमेशा जब भी टर्न करना है अपनी जो बॉडी है बाइक को बाहर रखना है, बॉडी को अंदर रखना है, और अपने जो टैंक के साथ ना पैरों की ग्रिप बनाकर रखनी है, ऐसे देख सकते हो ना ऐसे लीन करना है। अभी मैं आपको दोबारा करके जाता हूँ राइट साइड की तरफ। तो एक तो गाइस आपने ये ध्यान रखना है और उसके साथ ही साथ अपने बॉडी पोजीशन का भी बहुत ध्यान रखना है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपकी बॉडी पोजीशन हमेशा नीचे को होनी चाहिए बाइक से। और हाँ गाइस, इसके अगले पॉइंट की अगर हम बात करें वो है कि आपको ना ब्रेक्स का भी ध्यान रखना है। जब भी आप लीन कर रहे हो ना तो आप कोशिश करिए कि आपकी स्पीड पहले ही कम हो, जिस वजह से आपको ब्रेक ज़्यादा अप्लाई मत ना करने पड़े, क्योंकि अगर आप कॉर्नरिंग करते टाइम रियर ब्रेक अप्लाई करते हो ना गाइस तो आपकी बाइक जो है वो साइड को निकल जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जब बाइक टर्न लेती है ना तो फोर्स उसे बाहर की तरफ फेंकता है, और अगर आप रियर ब्रेक मारोगे तो फोर्स के साथ हेल्प करते करते वो बाइक बाहर को निकल जाएगी। आगे के टर्न आ गया, मैं एक बार और आपको लीन करके बताता हूँ। काओ आ गई बीच में, नहीं तो मैं लीन करता था एक बार और। हाँ, ये हुआ अच्छा लीन। और गाइस एक और आपको बात बताता हूँ, अगर आप न्यू राइडर्स हो ना तो आप ना एक एंगल का ध्यान रखना, एंगल का ध्यान रखना भी बहुत बढ़िया है, ये अगला पॉइंट है। सो एंगल का ध्यान ऐसे रखना है, अगर आप 45 डिग्री से ऊपर रहते हो ना तो उस डिग्री के एंगल में ना आपकी जो बाइक है वो ज़्यादा एरिया अपना रोड के साथ कॉन्टैक्ट में रख सकती है, क्योंकि वो एक सेफ स्पीड है। और अगर आप 45 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री पर टर्न लेते हो तो आपकी बाइक का जो एरिया है ना जो रोड के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है वो कम हो जाता है, अगर हम 45 डिग्री से ज़्यादा लीन करते हो। सो अराउंड अगर आप 90 डिग्री तक लीन करते हो ना तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, और रोड में रोड भी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। कई बार होता है ना रोड पर टर्न्स के ऊपर कोई कंकड़ मिट्टी पड़ी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री में ना इतना ज़्यादा फोर्स पड़ता है बाहर की तरफ
कि उसमें बाइक बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखनी पड़ती है। सो अगर आप जो है नॉर्मल राइडर हो तो 45 डिग्री, जैसे अभी मैं 45 डिग्री पर लीन कर रहा हूँ, इस डिग्री पर लीन करके आप बड़े आराम से अपना टूर कर सकते हो अगर आप टूरिंग वगैरह कर रहे हो जैसे भी। एक तो ये बात गाइस बहुत आपको नोट करनी चाहिए, सो टायर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है गाइस लीनिंग के ऊपर। अगर आपकी जो बाइक में जो है वो साइड प्रोफाइल कम है टायर की, तो आप टायर को थोड़ा थोड़ा एक एक नंबर अपग्रेड करा सकते हो, जिसकी वजह से आपका लीनिंग कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा और गाइस अगर आप न्यू राइडर हो और लीनिंग सीख रहे हो तो आप पहले ही ऐसा मत करना कि आप गोडे बाहर निकाल कर ऐसे जो है नी डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। सो पहले आपको जो है वो नॉर्मल बाइक लीन करनी सीखनी है। जैसे अभी मैं कोई अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट बैठा हूँ और मैं स्ट्रेट बाइक को भी बहुत अच्छा लीन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने सीखा है। अब देखा गया मेरी स्पीड तेज़ थी ना, तो मैं लाइन से बाहर निकल गया। ये छोटी छोटी चीज़ ना ध्यान रखनी पड़ती है। तो गाइज़ आप ना पोस्चर का भी ध्यान रखना, अगर आप न्यू राइडर हो तो आप जो है वो ज़्यादा नी डाउन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि नी डाउन करने में भी ना एक टेक्निक होती है, वो आपको मैं थोड़ी देर में बता दूँ। पहले मैं एक दो पॉइंट्स और कवर कर लेता हूँ। और गाइज़ उससे जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो न्यू राइडर्स हैं उनको शायद नहीं पता होगा, वो है कि काउंटर स्टीयरिंग का अपने ध्यान रखना है टर्न्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि बाइक्स में अगर आप 30 किलोमीटर के ऊपर जाते हो ना, तो उसके बाद जो है बाइक में काउंटर स्टीयरिंग काम करनी शुरू कर जाती है। अब वो होता है क्या, जैसे अभी देखो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ और मैंने अपनी बाइक को जो है राइट साइड टर्न लेना है, तो अगर आप स्लो स्पीड रहोगे तो नॉर्मली आप ऐसा करोगे हैंडल को राइट साइड टर्न करोगे, फिर आपकी बाइक राइट साइड जाएगी। पर जब आपकी बाइक स्पीड में होती है ना गाइस, तो आपको इससे उल्टा करना होता है। मतलब कि जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ, इस गाड़ियों से आगे निकल जाऊँ कि अभी टर्न आया और मैं अपना हैंडल ऐसे की तरफ करूँगा तो मेरी बाइक राइट साइड जाएगी। समझ रहे हो ना, अगर मैंने राइट साइड को बाइक घुमानी है तो मैंने हैंडल लेफ्ट साइड की ओर करना है, अगर मैंने लेफ्ट साइड जाना है तो मैंने हैंडल राइट साइड करना है। देखो मैं अभी यहाँ से अपनी तरफ खींचूँगा हैंडल और बाइक राइट लेफ्ट साइड जाने लगी, अभी यहाँ से मैं खींचूँगा तो उधर साइड जाने लगी। मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ गाइस, देखो अपनी तरफ खींचूँगा मैं, देखो बाइक उस तरफ जा रही है। हालांकि होना यही चाहिए, मैं इसे अपनी तरफ खींचूँ, बाइक को यहाँ जाना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ होती है जो बहुत राइडर्स को पता नहीं होती। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको ना खड़े होकर बताता हूँ कि अगर आपने बाइक को नी डाउन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो अच्छी तरह से। समझो कि मैंने लेफ्ट साइड को लीन करना है बाइक को, और जब मैं लेफ्ट साइड को बाइक लीन करूँगा ना, तो मैंने पैर निकालना लेफ्ट साइड को बाहर और अपनी बॉडी को भी ना लेफ्ट साइड की ओर ऐसे झुकाना है, मतलब और राइट साइड से अपना बैलेंस बना के रखना है टैंक के साथ, और ऐसे लीन करना है सीधे देखते हुए, ठीक है। अगर आप वैसे ही राइट साइड जा रहे हो तो राइट साइड भी ऐसे। ओके गाइस, आपको समझ लगी होगी शायद, क्योंकि मेन यही बॉडी पोजीशन होती है इसमें। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लीन आपको जो है वो बॉडी लीन कैसे करनी है और कैसे आपको जो है वो नी डाउन करना है। सो जैसा कि लीन आ गया, मैं अपनी बॉडी राइट साइड कर रहा हूँ और ऐसे झुका रहा हूँ बॉडी को, ऐसे होता है नी डाउन। सो क्योंकि जब एक्सपीरियंस होता है ना बंदे के पास, तो बंदा बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। सो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ जो एक्सपीरियंस राइडर है वो ही नी डाउन ट्राई करे, नहीं तो नी डाउन करने के लिए भी गाइस आपको जो है वो राइडिंग पैंट चाहिए, और राइडिंग पैंट में साइड में जहाँ पर लगे होते हैं वो गार्ड्स, जिसकी वजह से नी डाउन होता है। मुझे ऐसे बाइक ज़्यादा लीन करने में मज़ा आता है स्ट्रेट बैठ कर। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पता लग गया होगा, अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज होती है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है मेरे से, तो आप बेफिक्र मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई करता हूँ। ओ भाई, जाते जाते गाइस ये चेक करो, लेफ्ट साइड से कितना टायर लीन कर दिया था, बिल्कुल एक उंगली का गैप भी नहीं बचा। ये होता है स्टॉक टायर का नुकसान बहुत ज़्यादा इसमें, इसीलिए मुझे लीन करने को डर लगता है। इससे ज़्यादा भी मैं लीन कर सकता था, तो मुझे पता है स्टॉक टायर का इतना एरिया नहीं होता, इस वजह से मैंने इतना लीन नहीं किया। सो लो गाइस, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।